घंटे गुजर गए लेकिन ताहाल कराची का आयशा भवानी कॉलेज न खोला जा सका। कॉलेज इंतजामिया हठधर्मी पर उतर आई है। मुश्ताइल तलबा और असातिज़ा की कॉलेज इंतजामिया से तल्ख कलामी भी देखने में आई है। अब क्या मामला है, क्या कॉलेज खुल सकेगा या खुल चुका है, इससे मुतल्लिक भी आपको तफसीलात से आगाह किया जाएगा। चार घंटे गुजर गए मगर ताहाल कराची का आयशा भवानी कॉलेज न खोला जा सका। कॉलेज इंतजामिया हठधर्मी पर उतर आई है। मुश्ताइल तलबा और असातिज़ा की कॉलेज इंतजामिया से तल्ख कलामी सामने आई है। तफसीलात क्या है जिले हैदर से जानते हैं। जिले हैदर अपडेट कीजिएगा, अल्टीमेटम तो खत्म हो गया। जी देखिए, ये बताया गया था कि जो स्टे ऑर्डर है वो लिया गया है, और जबकि जो ट्रस्टी हैं उनका कहना यह है कि उन्हें किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं मिला है कोर्ट की जानिब से, क्योंकि जो ताला लगाया गया है कॉलेज में ये बैलेंस की तरफ से लगाया गया और पुलिस की निगरानी में लगाया गया है। अगर अदालत ने इस तरह के कोई अहकाम या स्टे ऑर्डर की कॉपी दी है तो वो उनको मौसूल नहीं हुई है और बैलेंस ही आके वो ताला खोलेगा। ये कई दफ़ा तलबा अंदर आए हैं और उसके बाद तल्ख कलामी हुई है। ट्रस्टीज़ जो हैं वो उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि इसके हमारे कैमरे मैन अगर आपको दिखा सकें हसनैन, कि कॉलेज के बिल्कुल बराबर में जो है वो स्कूल है जो कि ट्रस्ट की निगरानी में चल रहा है। ये गेट स्कूल का है जहाँ पे बच्चे जो है वो जेर तालीम है, हज़ारों बच्चे जेर तालीम है। इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो कॉलेज है जिस पे ताला लगा हुआ है, जिसको सील किया गया है और अब तक जो है ये सील नहीं खुल सकी। आज ऐलान किया गया था कि ये सील खोल दी जाएगी और तमाम तलबा जो है वो दोबारा अपनी क्लासेज स्टार्ट कर लेंगे। हमने कोशिश की कि दोनों का मौकफ हासिल किया जा सके और लिया है हमने। हमारे साथ इस वक्त जो है ट्रस्ट के तर्जुमान जो है इमरान वो मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करते हैं कि क्या ये वाकया है। ये बताएं इमरान कि अब तक जो है सील क्यों नहीं खोली गई जबकि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया हुआ है। देखें, कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। कोर्ट ने जस्ट एक नोटिस दोनों पार्टियों को सर्व किया कि 23 तारीख को आप कोर्ट आ जाए। उससे पहले 15 तारीख को हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे एक एग्जीक्यूशन हुई थी। ये बड़ा पीसफुली हमें हमारी ही बिल्डिंग है जो हमें हैंड ओवर की गई थी बेलिफ की मौजूदगी में, मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में। इस मामले को जानबूझ के उलझा दिया गया जबकि हम भी एक एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट हैं और पिछले 56 सालों से हम तालीम के मैदान में सर्व कर रहे हैं। हमारा मौकफ ये है कि अगर कोर्ट स्टे देती है तो बड़ा वाज़े ऑर्डर होगा, बेलिफ आएगा, भले ताले खोल दें, और जब तक कोर्ट का ऑर्डर होगा यहाँ एजुकेशन जारी रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। कोई स्टे ऑर्डर की कॉपी आपको मिली है, कोई बैलेफ आया आपके पास? मेरे भाई, अब तक हमें कोई स्टे की ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। हमारे लॉयर मुसलसल कोर्ट में मौजूद हैं, हम अपने लॉयर्स के साथ मुसलसल कॉन्टेक्ट में हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन आए हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, एक नोटिस लाए जो सर हुआ 23 तारीख को, दोनों फरीकैन को कोर्ट ने बुलाया जब, और उसको वो एक स्टे कह रहे हैं। अगर स्टे है तो कोर्ट आएगी ना, बेलिफ आएगा। जी, ये ट्रस्ट के तर्जुमान थे इमरान, जिनका मौकिफ ये था कि जिले हैदर ट्रस्ट का मौकिफ तो हमने जान लिया। ये बताइएगा, चार घंटे गुजर चुके हैं, अदालती अहकाम जारी हो चुके हैं, इसके बावजूद कॉलेज इंतजामिया अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। कॉलेज इंतजामिया का कोई मौकिफ सामने आया हो? जी, ये जो तर्जुमान थे ये ट्रस्ट के ही हैं, जो कि इंतजामिया है, उनका ही मौकिफ है कि उनको किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला है। दोनों फरीकैन के जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, वो अदालत में मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि वाज़े अहकाम लेकर यहाँ पे आएंगे और बैलिस को अपने साथ लेकर आएंगे और पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ मौजूद हैं उनकी निगरानी में ही ताला खोला जाएगा। लेकिन अब तक कोई वाज़े अहकाम नहीं आए। जो नोटिस इशू हुआ था उसके में वाज़े तौर पर यह लिखा था कि दोनों फरीकैन 23 तारीख को अदालत में पेश हों और दोबारा से अपने दरख्वास्त जो है वो जमा कराएं, जिसको ये जिले वाज़े कीजिएगा कि 23 तारीख को पेशी का लिखा हुआ था, कॉलेज खोलने का नहीं लिखा हुआ था उस नोटिस में। जी बिल्कुल, उन्होंने ये वाजे लिखा हुआ है उस ऑर्डर में कि 23 तारीख को दोनों फरीकीन जो हैं वो दोबारा वहाँ पे पहुँचें और तमाम के तमाम अपने वकला के साथ आएँ और तहरीरी तौर पे तमाम सबूत जो हैं वो दोबारा लेकर आएँ। पहले ऑर्डर जो है वो ट्रस्ट के हक़ में अदालत दे चुकी है, जिसमें ये वाजे लिखा हुआ था कि ये कॉलेज जो है ये ट्रस्ट की मिल्कियत है और फौरी तौर पर इस पर इसको सील कर दिया जाए, इसको ताला लगा दिया जाए और जो तलबा अंदर मौजूद हैं जो कि क्लासेज ले रहे हैं उनका तमाम रिकॉर्ड भी सील कर दिया गया है। कई दफ्तर अंदर मौजूद हैं, एडमिन डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल रूम है, तमाम का तमाम सील है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बुलेटिन में आपको वो अंदर के मनाजिर भी दिखा सकें जो कि सील किए गए हैं। लेकिन अब तक अदालती फैसला जो है दोनों फरीकैन के वकला अदालत में मौजूद हैं और वाज़े फैसला नहीं आ सका है। जी अच्छा, ज़िले हैदर हम देख सकते हैं हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं, खुद स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या मौकफ है? जी, मामला जो है इस वक्त शशोपंज में मुब्तला है हर शख्स, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे उनके वालदैन हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे ट्रस्टी हो।
उनका कहना यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो 23 तारीख का ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें दोनों फरीकियन को बुलाया गया वो स्टे ऑर्डर है, जबकि जो ट्रस्टी है उनका कहना यह है कि अगर स्टे ऑर्डर है तो दोबारा से कोर्ट का बैलेंस जो है पुलिस की सिक्योरिटी में यहाँ पहुँचे और ताला जो अपने हाथ से लगा के गए थे वो ताला खोल दिया जाए। इस बिना पे दोनों फरीकैन में कभी तलख कलामी होती है, कभी हाथापाई भी देखने में आई है। तुलबा कभी इस्ताल में आते हैं तो शारा फैसल ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जिन्हें पुलिस और रेंजर जो है इसे धकेल देती है। कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि बराबर में जो स्कूल है जो कि ट्रस्ट की निगरानी में चल रहा है वहाँ पे भी तुलबा गए हैं और उन्होंने गेट तोड़ने की गेट खोलने की कोशिश की है जिसे वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने नाकाम बना दी है। तो ये आँख मचोली का सिलसिला जो है वो ट्रस्ट और इंतजामिया और जो कॉलेज की इंतजामिया उनके दरमियान जो है ये वक्तन फवक्तन जो है ये चल रहा है जी। ज़िले सिंध हुकूमत या इंतजामिया से आपकी बात हुई, उनका कोई मौक़िफ़ आया है इस हवाले से सामने? देखें यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनमें कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सलीम और दो अफराद उनके साथ और हैं जो कि ऑफिस एडमिन डिपार्टमेंट के हैं। इसके अलावा उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके लॉयर्स और दीगर इंतजामी लोग जो हैं वो अदालत में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टे ऑर्डर का वाजे और कॉलेज खोलने के वाजे अहकाम लेकर यहाँ पर आएँ, उसके बाद उसको गेट पर चस्पा किया जाएगा और ताला जो है वो पुलिस की निगरानी में कोर्ट के बैलिफ के से हाथ से खोला जाएगा। तो इसका इंतज़ार किया जा रहा है, इसी वजह से इसमें डिले हो रहा है। वो अपने लॉयर से जो है वो रابطے में है। ट्रस्टी जो है उनका भी कहना ये है कि उनके भी लॉयर और उनकी भी टीम जो है हैदर आप जो हमारे साथ रहेगा, आपसे जानते रहेंगे। चार घंटे हो गए हैं लेकिन कराची का आयशा भवानी कॉलेज न खोला जा सका। कॉलेज इंतजामिया हठधर्मी पर उतर आई है, मुश्तैल तलबा और असातिज़ा की कॉलेज इंतजामिया से तलख कलामी भी हुई है। ट्रस्ट इंतजामिया से मुश्तैल तलबा और असातिज़ा की तलख कलामी भी हुई है, जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि कोई वाज़े ऑर्डर कोर्ट का मौसूल नहीं हुआ। जो नोटिस मौसूल हुआ उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि 23 सितंबर को दोनों फरीकैन पेश हों, अगर कोई वाज़े ऑर्डर हो और बेल्फ यहाँ पर आए और बाकायदा ताले खुद खुलवाए, खुद स्कूल को खुलवाए, कॉलेज को खुलवाए तो खोला जा सकता है। मुश्तैल तलबा और असातिज़ा की कॉलेज इंतजामिया से तलख कलामी का वाकया भी सामने आया है। चार घंटे हो गए हैं लेकिन ताहाल कराची का आयशा भवानी कॉलेज नहीं खुल सका। जिले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जिले हैदर बताइएगा क्या तलबा अब भी यहाँ पर मौजूद हैं? सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, ये भी बताइएगा कि रेंजर्स को तलब किया गया है, किस तरह से सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? और जी देखिए बिल्कुल पुलिस और रेंजर्स यहाँ पे मौजूद है, वो सिर्फ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो किसी भी शख्स को चाहे वो तालिब इल्म हो या स्कूल इंतजामिया या ट्रस्ट इंतजामिया का कोई रुकन हो उसको रोड ब्लॉक करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हम आपको गेट के मनाजिर दिखाएँ तो गेट पर दोनों ग्रुप जो है ट्रस्टी भी और स्कूल इंतजामिया जिसमें प्रिंसिपल भी मौजूद है वो यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है। उनका कहना यह है कि वो तमाम के तमाम जो है वो अपने लॉयर का वेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो अंदर जाएंगे। यहाँ पे स्कूल के इंतजामिया भी कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जी। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे आए? मैं तो जी जर्नलिस्ट हूँ, आया हूँ कवरेज के हवाले से। अगर पूछना चाह रहे हैं प्रिंसिपल जो बात कर रहे थे कि ये नहीं खोला जाएगा, हाथापाई भी हुई है, इस बारे में हम कोशिश करते हैं कि हम कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करें। सलीम साहब हैं, अस्सलामुअलैकुम सलीम साहब, ये बताइए कि ये ऑर्डर आपको स्टे ऑर्डर मिला है नहीं मिला, ये मामला कब तक हल होगा? तुलबा परेशान है, उनके वालदैन परेशान है, तमाम इंतजामी अमूर परेशान है, ये मामला क्या है क्या? जबकि उसमें लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर को स्टॉप कर दिया, इसको फर्दर प्रोसीड ना किया जाए, तो जब एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है तो मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब है कि कोर्ट के ऑर्डर पर इसको टेक ओवर करना। अब जब ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो चुका है तो इसको जो है रोकना चाहिए इनको जो है ये इसको तो मामूल के मुताबिक ये क्लासेस फंक्शनल होनी चाहिए। अब 24 को हेयरिंग है ना, सैटरडे को जो उस वक्त तक तो सब्र किया जा सकता है ना इनकी पार्टी को, जबकि हमारा जो है मुसलसल लॉस हो रहा है, ये बच्चे आ रहे हैं रोज़ाना जो है और एडमिशन के लिए आप देखेंगे कई लड़के जो है बगैर यूनिफॉर्म में ये फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए आ रहे हैं। ट्रस्टी क्या कहते हैं कि इनको स्टे मिला है, ऑर्डर की कॉपी मिली है या नहीं? ऐसी बात है कि वो कहते हैं कि हमें पता नहीं ये स्टे है या नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बैलिफ आया ये ताला खोलने के लिए क्या चीज़ करने की? कोर्ट से कोई बैलिफ आया है ये? नहीं, अभी तक कोई कोर्ट से बैलिफ नहीं आया है, लेकिन हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो खुद इस मामले को देखने के लिए आज सुबह आए, उन्होंने सूरत हाल देखी, उनको ऑर्डर दिखाया लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो अब वो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं और उस वक्त वहाँ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर टाइप हो रहा है, उसके बाद पुलिस आएगी बैलिफ को लेकर और उसके बैलिफ आएगा पुलिस को लेकर और उसके बाद जो है ये बाकायदा तौर पर लोग खड़े हैं। ये कौन है? ये जनाब वाला आयशा भवानी एकेडमी के ये मुलाजमीन हैं, गार्ड्स हैं ये, ठीक है ना? तो ये जो है ये रोके हुए हैं, लड़के बेचैन हैं यहाँ पर, तो ये आगे खड़े हुए हैं, हमने भी इनको बच्चों को रोका हुआ है,
कि हम चाहते हैं कि इसका तरीका जो है सही तरीके से जो है ऊपर से ऑर्डर आए, तो किसी किस्म की जो है बदमजगी, किसी किस्म की बेचैनी, किसी किस्म की बदअमली ना पैदा हो। हम हमारे बच्चों का बिल्कुल भी लॉस नहीं चाहते, ना ही इसका तालीमी लॉस चाहते, ना ही फिजिकली कोई हम चाहते हैं कि इनका कोई नुकसान है या कोई हर्ज हो। कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जो इनका कहना यह है कि इनके लॉयर जो हैं, उनकी टीम जो है वो अदालत में मौजूद है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो है वो अहकाम लेके आ रही है, उसका ये इंतज़ार किया जा रहा है ताकि ये। अब हम आपको गेट के मनाजिर भी दिखा दें कि गेट पे जो है आयशा बानी ट्रस्ट की जो इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि दो नोटिसेस भी यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि कॉलेज की जानिब से भी है कि ये क्लासेस जो है वो शुरू कर दी जाएँ, और दूसरा नोटिस है कि 23 तारीख को जो है तमाम फरीकैन को वहाँ पर अदालत में बुलाया गया है। इसमें किसी किस्म के कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, क्योंकि स्टे ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है कि स्टे ऑर्डर की वाजे कॉपीज लेने के लिए दोनों फरीकैन के लॉयर जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अंदर के मनाज़िर भी आप देखें, अंदर बिल्कुल जो ट्रस्ट की इंतजामिया उनके अहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन और किसी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जब तक उनके वादे। यहाँ पर तलबा मौजूद हैं जिले हैदर, उनका क्या कहना है इस बारे में? एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, उनका तालीमी नुकसान हो रहा है, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, जो यहाँ पे तलबा हैं वो सुबह से अपने बैग, किताबें और दीगर तदरीसी सामान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि 3 दिन से अगर हम कहें कि यहाँ पे मौजूद हैं तो ये वजह ना होगा। उनका कहना ये है कि ये फैसला जो भी आना है वो जल्दी आए ताकि उनका तालीमी साल जो है वो ज़ाया ना हो सके। उनकी क्लासेस शुरू हैं, कुछ एडमिशन के लिए भी लोग यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, इसके अलावा जो तालीम हासिल करने आए, क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब, हम कोशिश करेंगे कि जो तलबा हैं उनसे बात करें। या बताएं आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आप इसको, अब तक क्यों नहीं खुला कॉलेज? सर अभी तक हम सुबह से आए हैं सर, ऐसी कोई नोटिस ने दिया हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन सर ये एकेडमी वाले सर कुछ भी नहीं खोल रहे अब, लेकिन अब ये इतना मसला है, इनको बोलेंगे जल्दी हल करवाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो तालीम है। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ अभी। एग्जाम कब से है? मेरे एग्जाम तो होंगे अप्रैल में होंगे अभी, लेकिन अभी जो फर्स्ट ईयर के हुए थे तो इसलिए अभी रेगुलर क्लासेज हमारी स्टार्ट है, अब इतना लॉस हो रहा है उसके लिए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाए और ये हम क्लासेज लेना शुरू कर दें। तमाम जैसे यहाँ के प्रिंसिपल और दीगर जो ट्रस्टी हैं वो इस फैसले के इंतज़ार में हैं और परेशान हैं, इस तरह तालिबे इल्म जो है वो भी परेशान हैं। उनका कहना ये कि इस मसले को हल किया जाए, उनका जो लॉस हो रहा है वो किसी तरह भी पूरा नहीं हो सकता है, एग्ज़ाम भी करीब हैं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मालूम करते हैं कि कौन सी क्लास में आप? मैं सेकेंड क्लास में सुबह 8:30 बजे से आया हूँ, इधर धूप में खड़ा हूँ, कोई हमारे हेल्प नहीं कर रहे, जो डायरेक्टर सब आए हुए हमारी मदद के लिए खड़े हुए, ये लोग हमारे दरवाज़ा ताला, बड़ा ताला लगा हुआ है, इस वजह से हम इत्तेजाज भी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने हमको मना किया कि इन लोगों को मारा नहीं, डिसिप्लिन। जिले हैदर आप ये बताइएगा कि इंतजामिया का क्या कहना है, वज़ीरे आला सिंध के ऑर्डर्स आ गए हैं, इंतजामिया कब पहुँच रही है इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? जी देखें, यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि लोग कह रहे हैं कि जो ट्रस्टी हैं या कॉलेज वाले अफराद हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका कहना ये कि हम इंतज़ार कर रहे हैं जब के वाज़े अहकामात आएंगे, कोई शख्स यहाँ पे आएगा, कोर्ट का बैलिफ आएगा, उसके बाद ही ये मामला जो है वो हल हो सकता है। स्टूडेंट अंदर जाएंगे, अपनी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करेंगे या फिर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाएगी और 23 तारीख के बाद इसका फैसला आएगा। तो अभी ये इंतज़ार किया जा रहा है कि कोर्ट के वाज़े अहकामात आएँ, वज़ीरे आला सिंध के वाज़े अहकामात, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो गेट पे मौजूद हैं, उनको इसकी कॉपी मौसूल हो और कोई ट्रस्टी बंदा जो है वो यहाँ पे लेकर आए जिस पे तमाम फरीकैन, दोनों फरीकैन को ट्रस्ट हो। पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी निगरानी में तमाम मसला जो हल होगा। बताया यही जा रहा है कि कुछ ही लम्हों बाद या मिनटों बाद जो है वो तमाम लोग मुकम्मल और वाजे और अहकाम लेके यहाँ पर पहुँचेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। जी ज़िले हैदर आप हमारे साथ ही रहिएगा, तमाम तर सूरत हाल को काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर मौजूद है, और आपको बताएं कि तलबा और कॉलेज इंतजामिया इस वक्त मौजूद हैं, ट्रस्ट इंतजामिया के दरमियान तलख कलामी भी हुई है, अदालती अहकाम आए हैं, 23 सितंबर को पेश होने का नोटिस दिया गया है। ज़िले हैदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।